Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Virgo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. वर्गो, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 20% तक का छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए एंड पाइए 20% तक की छूट अपनी पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि चल रहा है स्पेशल समर ऑफर. ओके वर्गो, लेट्स चेक आपका जुलाई मंथ कैसा रहता है टुवर्ड्स योर लव लाइफ. आप अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रख सकते हैं और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, पहले देखते हैं ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. सेकंड, ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ, देख लेते हैं. ओवरलोड, एक्सेसमेंट, ऑब्लिगेशन, ओवरवेल. ओके, लेट्स सी. फ्यूरी, ऑफेंस, मैडनेस, अनप्लेजेंटनेस. एंड यू गॉट काम इन अ पीस, सिंप्लिसिटी, मेडिटेशन. ओके, आपके आपके पर्सन का लकी नंबर 4 हो सकता है वेरी स्ट्रांगली. एक बहुत फ्यूरी, एक काम है. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर वर्गो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024. ओके, लेट्स कट द डेक. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सिक्स ऑफ कॉइन्स, इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, द टावर. अरे, फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज 10 ऑफ कप्स. योर एनर्जी, सिक्स ऑफ ब्लेड्स. ओके, एंड फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज 2 ऑफ ब्लेड. ओके, ये टावर मोमेंट क्यों हुआ है. ओके, समझ गई. जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज अनदर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनाइन, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, वेरी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, आपके पर्सन का तो कोई तो लीगल लीगल केस चल रहा है, लीगल पंगा चल रहा है, या तो इनका खुद का हो सकता है, फैमिली में कोई मैटर हो सकता है, जिस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में. फ्यूरी विद द टावर, ये एनर्जी आपके लिए नहीं है वोगो, ये एनर्जी इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में आ रही है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आई एम सीइंग ओवरऑल सब अच्छा रहेगा. ओके, द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सिक्स ऑफ कॉइन्स. मुझे बताऊँ एक चीज़, बहुत बहुत क्यूट एनर्जी, बहुत अच्छी स्वीट एनर्जी आ रही है कहीं ना. यू नो वट, डे बाई डे, स्पेशली फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, आप देखना ये डे बाई डे इनकी जो एनर्जीज है ना आपके टूवर्ड्स, वो और केयरिंग, वो और लविंग होते हुए दिख रही हैं. ये पर्सन कहीं ना कहीं, बताऊँ, वो गो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं. दे रियली लाइक यू. आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, और तो कहीं ना कहीं वही केयर, वही प्यार वो आपको रेसिप्रोकेट आपको वापस से देना चाहते हैं. करेंट एनर्जीज़ में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, एंड आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं. सिक्स ऑफ कॉइन्स में भी ये भी दिख रहा है कि आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं. सो ओवरऑल इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी भसड़ भसड़ चल रही है उससे हट के दे रियली लाइक यू. वो को बहुत पसंद करते हैं आपकी जो ब्यूटी है, आपका सी लेडी कितनी अच्छे से ड्रेस्ड है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका और आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है. एंड करंट एनर्जी में आपके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं. एक्चुअली में इंटेंशन कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन ना, देखो एक चीज मैं क्लियर कट बता रही हूँ वगो आपको, अगर आप सोच रहे हो क्या ये जुलाई में स्पेशली आपको कमिटमेंट दे रहे हैं शादी का या व्हाटसोएवर कमिटमेंट, द आंसर इज अ बिग नो. इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है. लाइक आई सेड, कुछ तो लीगल इशू है, लीगल केस है, कुछ तो कोर्ट कचहरी का, कुछ तो इनका इनका कुछ तो लाइफ में चल रहा है, जिस वजह से कमिटमेंट, आई एम टेलिंग यू, ये कमिटमेंट आपको साल के एंड तक ही देंगे, उससे पहले पहले नहीं देंगे. एंड इंटेंशन टूवर्ड्स यू इज दैट दैट दे वॉन्ट यू टू गिव दम दैट इमोशनल सपोर्ट, दैट्स इट. इंटेंशन में कहीं ना कहीं वो, पता हूँ क्या, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये
एक बड़ी स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि अगर मैं वर्गो को कमिटमेंट ना दे पाऊँ, फ्यूचर का कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट, तो कहीं वर्गो मुझे छोड़ के ना चला जाए। इनको ना कुछ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है इनके इनके माइंड में। तो मैं वर्गो आपको यही चीज़ क्लियर कट बोलना बोलना चाहती हूँ कि इस पर्सन को अगर अश्योरिटी दे दो कि यस मैं तैयार हूँ आपके लिए वेट करने के लिए, आप टेंशन मत लो। कहीं ना इनको थोड़ा फियर रहता है कि आप इन्हें कहीं छोड़ के ना चले जाओ। वो ये दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, लेकिन क्लियरली सीधा ये बहुत अच्छा अपना हैप्पी फेस दिखाते हैं, बट इंटेंशन में कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिस वजह से इन्हें ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं वर्गो मुझे छोड़ के ना चला जाए। दैट्स द इशू आई एम सीइंग। या एग्जैक्टली। एंड इंटेंशन में मैं आपको यही बोलूंगी वर्गो आपको कि इनको वो श्योरिटी दे दो कि मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रही हूँ, आप अपना वक्त लो, अपना ये जो लीगल केस है, जो भी ड्रामा है आपकी लाइफ में, वो ठीक हो जाए, उसके टूवर्ड्स उसके बाद आप मुझे ही चूज करोगे, दैट आई नो। सो यू हैव टू गिव दैट मेंटल एंड इमोशनल श्योरिटी टू दिस पर्सन। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, क्योंकि आप बहुत काम एनर्जी में, दिस इज योर एनर्जी, आप बहुत काम हो विद सिक्स ऑफ वेट्स, बट ये कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये डर रहे हैं आपको खोने से वो गो। ओके, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, लाइक आई सेड कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं वो गो। एंड मुझे दिख रहा है इस साल के एंड तक, मैक्सिमम टाइमलाइन बता रही हूँ, ये पर्सन आपसे शादी करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। क्लेम कर दो रीडिंग वो को, क्लेम करिए। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक बहुत अच्छा हस्बैंड एंड वाइफ मटीरियल समझते हैं वो गो, एंड दे क्लियरली वॉन्ट्स टू बी विथ यू। या योर एनर्जी सिक्स ऑफ ब्लेड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है वोगो कि आप इनके बहुत बड़े, आप उनके बहुत बड़े इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट बन रहे हो इनके बुरे वक्त पे। आई कैन क्लियरली सी दैट आप इस पर्सन के साथ खुश नुमा लम्हे बिताना चाहते हो, विच मीन्स दैट यू वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम विद दिस पर्सन, बट ये अपनी पर्सनल लाइफ में इतना जूझ रहे हैं जिस वजह से वो अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आई एम सीइंग आफ्टर 20 जुलाई के बाद आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी इमोशनल क्लोजनेस बढ़ते हुए दिख रही है वो गो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो। प्यार देखो कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हो वो गो, यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, और आप इस पर्सन को वो इमोशनल मेंटल सपोर्ट देना चाहते हो। एंड दो इस टाइम पे, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो वर्गो, तो इनको वो इमोशनल मेंटल सपोर्ट दो, और इनको ये श्योरिटी दो कि मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू वर्गो। ओके, द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज टू ऑफ ब्लेड्स की एनर्जी। अगर आप अभी से, आई एम टेलिंग यू कि जुलाई में आपको कमिटमेंट की जिद नहीं करनी है वर्गो, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए आपको अक्टूबर के बाद ही बोलना है, उससे पहले पहले नहीं बोलना है। सेकंडली, अगर आप कमिटमेंट कमिटमेंट की जिद करोगे इस मंथ, तो ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले, इट्स एज क्लियर एज दैट। सेकंडली, मुझे दिख रहा है कि छोटी मोटी बातों पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर, सो डोंट डू दैट काइंडली। ऐसी चीज़ों पर, ऐसी बातों पर रिएक्ट मत करो। एंड कहीं ना कहीं मुझे, देखो यहाँ पे भी फाइनल नोटिस लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आई एम सीइंग वन वेरी स्पेसिफिक एनर्जी कि आपके भाई बहन आपके पर्सन को पसंद करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या इनके भाई बहन आपको पसंद करते हुए नहीं दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के भाई बहनों के साथ आप लोग का कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अगर आप एक दूसरे के भाई बहनों से मिल रहे हो, तो अच्छे से तमीज से बर्ताव करना, ये अपने अपने पर्सन को भी ये गाइडेंस दे दो। रेस्ट द फ्यूचर लुक्स अमेजिंग, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। जस्ट वन सेकेंड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों का। बस जो मैंने गाइडेंस बोली आप वही फॉलो करो। आप वो गो आप इस पर्सन को काफी इमोशनली हील कर रहे हो, आप इस पर्सन के बहुत बड़े इमोशनल मेंटल सपोर्ट बन रहे हो इनके बुरे वक्त में। रेस्ट आप दोनों की शादी दिख रही है, आप दोनों का जो मैरिड लाइफ होगी ना, वो बहुत फन लविंग, बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव केयर होते हुए दिख रही है। और लोग, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप
कि आपकी टैरो रीडिंग्स में वही चीजें होती है। अरे वही चीजें ही तो होती हैं, और क्या होता है लाइफ में ये बता दो, क्या बता दो। हाँ लाइक दीज ओनली थिंग्स हैपन इन लव लाइफ राइट। क्योंकि देखो टावर बहुत भयानक एनर्जी आई है, एंड कहीं ना कहीं मुझे वही एनर्जी इनकी में दिख गई थी कि दे हैव, मतलब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है जिस वजह से राइट नाउ वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। बस आपको इन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है, दैट्स इट। एंड ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है, मुझे आप लोग की बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग लव मैरिज होते हुए दिख रही है वो को। क्लेम करो ये रीडिंग वो को। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।